आगामी लोकसभा चुनाव से पहले आज का दिन विपक्ष के लिए बेहद खास था, क्योंकि आज महागठबंधन की वो तस्वीर सामने आई जिससे मोदी सरकार की मुश्किल बढ़ने वाली है। कोलकाता में ममता बनर्जी की मेगा रैली में 22 दलों ने हाथ मिलाकर साफ कर दिया, पूरा विपक्ष साथ है और इस साथ से अब की बार मोदी सरकार पर जोरदार प्रहार है। मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, शरद यादव, एचडी देवगौड़ा, स्टालिन, हार्दिक पटेल, फारूक अब्दुल्ला, तेजस्वी यादव, यशवंत सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा समेत इन विपक्षी नेताओं को देखते जाइए और मोदी सरकार के खिलाफ बनने वाले महागठबंधन का अंदाजा लगाते जाइए। आज ममता बनर्जी की महारैली का मंच पूरे 22 दलों के नेताओं के साथ सजा था, जहां नेता मंच पर आते जा रहे थे और सरकार के खिलाफ हुंकार भरते जा रहे थे। साल में जो पाकिस्तान नहीं कर पाया, 5 साल के अंदर मोदी और अमित शाह ने करके दिखा दिया। दोस्तों, मंच पर जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहुंचे तो उन्होंने मोदी सरकार का ईडी और सीबीआई से ही गठबंधन करा दिया, लेकिन जब बारी तेजस्वी की आई तो उन्होंने पीएम मोदी को चौकीदार की याद दिलाई। सोचो कभी ये बदलाव आया और देश में नया प्रधानमंत्री आ जाए तो कितनी खुशी होगी हमें और आपको मिलकर के। सांप्रदायिक शक्तियों के सामने अगर घुटना नहीं टेकोगे तो ईडी और सीबीआई जो उनके अलायंस पार्टनर हैं, उनके सहयोग से आपको दबाने का कोशिश करेगा। मंच विपक्षी एकता का सजा था, लेकिन इसमें जमावड़ा बीजेपी के बागियों का भी लगा था। यशवंत सिन्हा से लेकर शत्रुघ्न सिन्हा तक ने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा बंदी कर दी। 126 हवाई जहाज की जरूरत थी, 36 क्यों लिया गया, जबकि देश की सुरक्षा का सवाल है। नंबर 2, ये हवाई जहाज का दाम 3 गुना से ज्यादा कैसे हो गया? एक सोच का, एक विचारधारा की, और हम उस सोच और उस विचारधारा के विरोध में आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। महारैली ममता ने बुलाई थी, मंच ममता ने सजाया था, मेजबान ममता थी, तो भला उनकी तरफ से आखिर वार कैसे न होता। इसीलिए रैली को अंजाम तक पहुंचाते हुए ममता ने मोदी सरकार को आईना दिखाया। और आने वाला दिन में तो बोलना है कि मोदी बाबू का सरकार को एक्सपायरी डेट हो गया है। समूचे विपक्ष ने एक सुर में आज मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए हुंकार भरी। अब इस हुंकार से मोदी सरकार हिलती है या नहीं, ये तो 3 महीने बाद जनादेश से साफ हो जाएगा। लेकिन इस हुंकार से विपक्षी एकता की तस्वीर जरूर साफ हो गई, साथ ही महागठबंधन को भी मजबूती मिल गई। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।